आज हम ग्रुप डी के सेट जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया था उसको शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट वीडियो है और टोटल 3 या 4 वीडियो में टोटल आ जाएगा, जितना जीके का क्वेश्चन साइंस और जीके जितना ही स्टैटिक जीके पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ये RRB ग्रुप डी लेवल 1 का 17/9/2018 फर्स्ट का है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है तो 1.8 होता है। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है तो चाल में होता रहता है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग किसने करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए तो इंदौर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है तो 18वें समूह का पूर्ण होता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है तो वजन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो कोडाईकनाल को जाना जाता है। कौन से जानवर गर्म खून वाला है तो कबूतर है। पक्षी गर्म खून वाले होते हैं। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है तो पारपोइसेस कर सकता है। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं तो 10 होते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है तो कोलेन काइमा ऊतक के में होता है। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है तो आयरन का लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है तो गर्भाशय में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, दबाव पर निर्भर नहीं करता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम करती है। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है तो वनस्पति प्रचार कहा जाता है। कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर सेकंड से 8 मीटर सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो इसका हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। इसको न्यूमेरिकल है, आप लोग बनाइएगा। हम केवल क्वेश्चन जो आया है उसको दिखा बता रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है तो 6×10^5 kg होता है। कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो ठोस में। कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है तो अधातु निकल जाता है। इसके बाद किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखने जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है तो वामावर्त कहलाएगा। इसको चलिए अब आगे देखते हैं।
ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट का 17/9/2018 का। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो अधात वर्धनीयता इसका आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय द्वारा चलता है। किसी तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसमें से इसको घटा देंगे, 109 होगी। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा होगी? तो 500 वाट होगी। चलिए आगे देखते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो 4 होती है। कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो सी कॉपर और निकिल से बनाया जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्केलेटन काइमा हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस के घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा HG निकिल फिर WAG हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 216 सेल्सियस होगी। इसको आप लोग बनाइएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। किस परमाणु का उप परमाणु का नहीं है? तो जीनान का नहीं है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 हिस्सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कर्षण किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो जड़त्व का नियम को करता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसमें इसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है? तो एक्सिन हो जाएगा, एक्सिन के कारण झुकता है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद हैं? तो 0.255 मौजूद होता है। माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है। तरंग की आवृत्ति है तो इसका 16 हर्ट्ज हो जाएगा। कौन सा समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है? तो 18वें समूह में होती है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4 वाले में होते हैं। इसके बाद एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन एक पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है तो परमाणु बल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेबल सॉल्ट, नमक
के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता है। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है तो 90 डिग्री का होता है। कौन सी कोशिकाएं स्थिर रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशीय स्थान मिले? तो पैरेन्काइमा हो जाएगा। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 1-1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है तो वृषण में होती है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है तो डी ब्लॉक से है। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है तो गति गतिज ऊर्जा एवं संभावित ऊर्जा हो जाएगा। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 हो जाएगा। कार्य करने की दर है तो शक्ति। एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे मामले में क्या संरक्षण है? तो गति संरक्षित रहती है। किसी कौन सा रासायनिक कारक कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है? तो सुबरीन हो जाएगा इसका। सुबरीन। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की बहता है तो 7 है। तो NH42SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 होते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद 18/9/2018 को फॉस्फेट O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रक्षेप धारा सबसे अधिक होती है? तो इसका हो जाएगा 19 डिग्री होने पर, 90 डिग्री होने पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है सामान की ओर और धीमा हो जाता है। 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना होगी तो 0.96 यूनिट होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है तो CaOH2 हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? 1/6 होता है। बार बार रिपीट किया है क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो 17वां समूह में। कौन सा प्लांट प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी तो 0.2 एम्पियर की होगी। कौन सा यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा हो जाएगा। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत कर किसने किया? तो मोसले ने किया था परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं।
वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है तो सिरका। कौन सा जानवर मुकुलन बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है तो हाइड्रा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है तो नाइट्रोजन। कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है तो इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट देखते हैं। मिलियन अवर्त होते हैं, एम टी एम एच एम होता है। दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है तो किलोवाट घंटा। किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है तो लिग्निन के कारण होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4 होगा। एफ एस एस ए आई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो रुको आर यू सी ओ इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेमी है तो इसकी फोकस लंबाई सेमी में होगी तो 3.1 होगी। तत्व ए बी सी डी और ई की जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 7, 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो इसका हो जाएगा बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। किसने सजीव वस्तुओं में लवणों की अनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है तो 32। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किसे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में किया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? तो हैरी केन ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी सेटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो ये 3 से होगा। यहाँ पर गलत दिया है, 2 से होगा, 3 से होगा। आवर्त सारणी के किस समय से? तो आवर्त से होगा तो 3 से हो जाएगा। वर्क से होता है तो 2 से हो जाएगा। कौन से पौधे के बीच में एक खाद श्रृंख भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र इसका आंसर हो जाएगा। 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी तो इसका हो जाएगा 144 वाट। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के
साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है तो ब्यूट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, थर्ड शिफ्ट का कार्बन परमाणु के बारे में 12-6C से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं हैं, तो KL और M होता है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है तो शून्य होती है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों को की उत्पत्ति का कारण है तो अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो MgH के बराबर होती है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा, तो 15 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो हीलियम में हो जाएगी HE। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, तो 3 में हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की, तो आंध्र प्रदेश ने की। यदि कोई वस्तु 5 cm वक्रता के त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 cm दर पर रखी दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा, 0.3 होगा। चलिए आगे देखते हैं, त्वरण की बीमा होती है तो L1m0t-2 हो जाएगा। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो घर्षण होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है तो जीन। यदि 1 kg मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी, 320 ग्राम हो जाएगी। इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था, तो गैलियम के रूप में नामित किया गया था। रेगिस्तानी पौधों की बाह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है तो क्यूटीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर नियमित प्रतिबिंब होता है तो आभासी और बड़ा होता है। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में 4th सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है, तो प्रत्युष हो जाएगा। अब देखते हैं 19 को, फर्स्ट शिफ्ट का कौन सा तत्व तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है, तो युग्मनज का निर्माण करती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड
में 5 मीटर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो 2010 ईस्वी में किया था। शक्ति को किस रूप में व्यवस्थापित किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA का निर्माण होता है। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी तो 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022×10^5 23 हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग हो जाएगा। ऑक्टेट ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण हो जाएगा। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। टंगस्टन का गलनांक है तो 33 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड शिफ्ट का 19:09 वाला देखते हैं। भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बना रही है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो PB और SN का हो जाएगा। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में अधिकतम होती है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा, दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। आगे देखते हैं। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होगी? तो गतिज ऊर्जा से मुक्त होगी। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH होता है 5.-5.5 से कम, 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षय होने लगता है, एसिड हो जाता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। चलिए आगे देखते हैं। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है तो आनुवंशिकता कहा जाता है। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान है 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो इसका हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान होगा तो 3g हो जाएगा, 3g हो जाएगा, 1/3 है तो 3g हो जाएगा। एक वस्तु को
अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। गंडमाला ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी तो 3 वाट होगी। एक वस्तु एक नियत वेग से ऊपर की दिशा में गति करती है। वस्तु पर लागू नेट बल होगा तो 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोइंग हो जाएगा। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बियर माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, उनको भरने में कितना समय लगेगा? तो 6.5 घंटे लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है? तो वंशागत हो सकती है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। आयरन के आयु की उपस्थिति में जलने पर उसका निर्माण किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो 3 हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो कोची से की थी। परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वचालित रूप से होती है तो सूर्य में होती है। अब देखते हैं 20 का फर्स्ट शिफ्ट का। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होगी 346 मीटर सेकेंड। सोल्डर मिश्र धातु में होता है तो 3 होता है। सोल्डर में 3 होता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक प्रजनन इसका हो जाएगा। ध्वनि संचरण के माध्यम के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है तो संपीड़न कहलाता है। 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी 120 सेल्सियस होगी। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता होगी 25 ग्राम हो जाएगी। इसके बाद गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है तो nm²kg² हो जाएगा। इसके बाद यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन
के परिणाम स्वरूप से क्या प्राप्त होता है, तो CO2 + H2O हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है, तो आवर्त लिटमस बिलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है, तो लाइकेन से। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो ये भारहीनता की स्थिति में होता है मुक्त रूप से गिरने पर। चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मज कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा MGH इसका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड शिफ्ट का 20 वाला। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो -5 एम्पियर हो जाएगा इसका 5 एम्पियर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं, तो कैल्शियम ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, तो हर्ट्ज हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। स्थितिज या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है। अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है, तो 14। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर इसकी स्थिति होगी। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह जिस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर बढ़ाइएगा, तब मनोबल बढ़ेगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो बेकिंग सोडा घोल। किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो बल। द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकंड में 2 मीटर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है, तो 1 वाट हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 20 होगी। चलिए आगे देखते हैं। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो 45.9 kg होगा। इसके बाद किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, तो कार्बन का। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग है, तो मेथिलीन से अलग है। इसके बाद डाबराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने त्रिकों को पहचान सके, 3। शाकाहारियों को किस को पहचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज को पहचाने के लिए होती है। समरूप अंग है, तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। हमारे कानों में किस की उपस्थिति के कारण जो
एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है तो उपास्थियों के द्वारा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 20 का थर्ड शिफ्ट। चलिए आगे देखते हैं समीकरण 2 CU प्लस O2, तो इसका हो जाएगा 2 CUO किसका एक उदाहरण है, तो संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अधोमुखी होगी। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होगी, तो इसका हो जाएगा 17.2 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो आयन। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो 6×10^24 केजी हो जाएगा। एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर हॉर्स से चल रही है तो ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा, 4000 न्यूटन हो जाएगा। एक किलो वाट हॉर्स किसके बराबर होता है, 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभाज्योतक ऊतक सक्षम है। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है, तो 60 सेल्सियस हो जाएगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63। जब किसी प्रति रक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा, 180 डिग्री का होगा। पौधे में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो 20 जूल हो जाएगा। न्यूटन के नियम क्यों कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, तो 10^-12 मीटर। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था, तो इसका हो जाएगा H2CO2 NH3 और CO4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति 2×10^8 मीटर सेकंड हो जाएगा। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। अब देखते हैं 22/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में होता है। चलिए, 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है स्नायु कहा जाता है। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध
में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी 30 हो जाएगी, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व तो संबंधित होता है, तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो Fe2O3 हो जाएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो अत्यधिक अवर्धित होता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो प्लेसेंटा हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो पेप्सिन एंजाइम को कर देता है। 1 तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका 109 हो जाएगा। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट का कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका छोटा आकार है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग कितने समय तक की देरी हो सकती है, तो 1 मिनट तक की देरी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और छोटी। 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 ohm-1 वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न आवेश कितना होगा, तो 4800 kg/s-1 होगा। चलिए, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध ऊंच है, तो डिम बल्ब का प्रतिरोध ऊंच होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, तो समूह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी, तो 203 ग्राम थी। अधिकांश सरीसृपों में होता है 1-3 कक्षीय हृदय। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों को आवर्ती फलन होते हैं, तो ये मेंडलीफ का आवर्त नियम। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। लिटमस पिलियन किससे निष्कासित किया जाता है, लाइकिन से निष्कासित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 800 kg भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर सेकंड से 10 मीटर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा, तो 30 kg हो जाएगा। 2 kg भार वाली एक वस्तु 4 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण
से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला शुद्ध नेट बल हो है तो 8 न्यूटन है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो पैरेन्काइमा का होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है, तो 100 cm तक हो सकती है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के 6th आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 32 तत्व मौजूद हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 22 का 3rd shift का। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो लागू बल के समानुपाती होती है। 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 ms की आरंभिक गति से चल रही है, यदि इसके ऊपर 60 N का मंदक बल लगाया जाता है, तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा, 10 sec लगेगा। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तो NO के रूप में निरूपित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के अणु में होता है, तो एक दोहरा सहसंयोजी बंध होता है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन महाअभियान शुरू किया गया था। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन से सुनाई देती है। परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व तो है, तो सीरियम का है। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पैरेन्काइमा में होती है। 20 kW के इंजन द्वारा 10 sec में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा, तो 200 kg होगा। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए, तो गति ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो घर्षण के कारण। यदि किसी वस्तु 60 ms के वेग से गति कर रही है, तो 480 m की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, तो 8 sec लगेगा। इससे इसको भाग दे देंगे, तो एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो इसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे, तो Be4 के Be4 के हो जाएगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। नेफोस्थेलिन को किस सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, तो रंगहीन। धुवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत गौरव पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनिल के त्रिपाठी। इस समय का करेंट अफेयर्स है। किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है, तो समस्थानिक कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब 23rd shift का। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 10। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे हैमर, एनविल और स्टिरप बीच वाले कान हैं।
कान में होता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके तारों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी तो 3 न्यूटन होगी। 10 मीटर सेकंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर सेकंड गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान होगा तो 500 केजी होगा। चलिए आगे देखते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो स्थितिज और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यदि 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा किया गया समय 20 सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड शिफ्ट 23/9/2018 वाला देखते हैं। बल्ब की इकाई क्या है? तो न्यूटन हो जाएगा। धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें तो 36 किलोमीटर हो जाएगा। CE 58 तत्वों के किस ब्लॉक का सदस्य है? तो F ब्लॉक का सदस्य है। इसके बाद जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? H बराबर 1I²RT हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या है? तो यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड -1 के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? तो 250 जूल हो जाएगा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 हो जाएगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक। एक लेंस की पावर -2.55D है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी तो इसका हो जाएगा अवतल 0-0.40 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगा 4 गुना। देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 में। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो। कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो मेढक। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या के। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है तो सूर्य की रोशनी की
प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ठीक है, अगला वीडियो में इससे आगे, बहुत वीडियो लंबा हो गया। लाइक और शेयर बढ़ाइए। धन्यवाद।